हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के मिलने वाले न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एंड्रॉइड 10 के 1.2.0 बीटा का अपडेट्स का बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसकी फाइल साइज, फीचर्स और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की यूजर्स हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि इस वीडियो को आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह लगातार वीडियो पाते रहने के लिए भी चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की यूजर्स हो, नहीं हो तो उन दोस्तों को शेयर कर दिया जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के यूज करते हैं। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का ये दोस्तों चौथा अपडेट्स है जो एंड्रॉइड 10 बेस पर 1.2.0 बीटा का अपडेट्स दिया जा रहा है। आपको दोस्तों जानकारी होगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को और सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज को और दोस्तों सैमसंग के कैसे डिवाइस को बहुत पहले ही अपडेट दे दिया गया है जो 1.2.0 बीटा का। वैसे दोस्तों, इसकी जो टेस्टिंग चल रही है एंड्रॉइड 10 बेस पर, एंड्रॉइड 10 का टेस्टिंग चल रही है 1.2.0 बीटा का, उसके बाद दोस्तों इसे चौथा अपडेट्स दिया जा रहा है जो एंड्रॉइड 10 बेस पर 1.2.0 बीटा का अपडेट्स है। तो दोस्तों, आप लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के यूजर्स हो तो आप लोगों को जरूर ये अपडेट्स मिल गया होगा। ऐसे में दोस्तों बता दूं कि ये जो इसकी फाइल साइज होने वाली है वो 167 MB की इसकी फाइल साइज होने वाली है, जो दोस्तों एक बड़ी फाइल साइज नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बहुत अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वही दोस्तों, आपको एस पेन में दोस्तों ट्रांसलेटर की सुविधा आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि एस पेन जो इसका इस्तेमाल करेंगे नोट 9 में तो उसके आप लोग ट्रांसलेटर की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी। वही दोस्तों, इसमें कुछ बग्स को फिक्स कर दिया जा रहा है, जो दोस्तों इसको कह सकते हैं कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बग्स वक्स थी इसमें जो थे, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम को भी इसे सॉल्व कर दिया जा रहा है इस अपडेट्स के साथ। तो ऐसे में दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग कितने ऐसे यूजर्स हैं जिनको आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के यूजर को अपडेट्स ये मिल चुका है। ऐसे में दोस्तों, ये अपडेट्स कल ही रिलीज किया गया, यानी कि 23 दिसंबर को इसे रिलीज किया गया है ये अपडेट्स, उसके बाद सभी को इसे रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को लगभग मिल ही गया होगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या नया फीचर्स आपको देखने को मिला है, और दोस्तों जिनको नहीं मिला है वो भी कमेंट्स करके हमें जरूर बता देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की तरफ से हर चीज अच्छी तरह समझ में आ गया, इसके अपडेट्स से रिलेटेड इसके मिलने वाले फीचर्स और इसके बग्स फिक्स करने वाले सारी बात को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, अभी कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हुआ तो कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके फोन से ही रिलेटेड लगातार अपडेट्स की वीडियो लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, अभी बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।